सिक्स क्लास हमने जो है वो सदाकत की रीडिंग भी कर ली, इसका बुक वर्क भी कर लिया, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमारे पास है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें मैं आपको इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, सदाकत से क्या मुराद है, सदाकत की बदौलत आदमी तमाम बुरे कामों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे और फिर ये इसका आंसर वर्कशीट पर मैं दे रही हूँ, यहाँ से देख कर आप इसको नोट करेंगे। सिद्ध के लफ्सी मानी रास्तबाजी और सच्चाई के हैं, ठीक है। जो सदाकत से मुराद सिर्फ सच बोलना ही नहीं, बल्कि इससे मुराद नीयत, इरादे और अमल की सच्चाई भी है, यानी जो बात कही जाए दिल में भी वही हो और अमल में भी उसके मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने को अहले जन्नत की अलामत करार दिया है, मतलब जो लोग सच बोलते हैं वो जन्नत के हकदार होते हैं। नीयत और इरादे की सच्चाई दरअसल दिल की सच्चाई है, जिसके बगैर कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता। सच बोलने वाले का दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा होता है। कामिल मोमिन होने के लिए ज़ुबान, दिल और अमल की सच्चाई ज़रूरी है, ठीक है। सच बोलने वाला इंसान अल्लाह से डरता है और हर काम करने से पहले सोचता है, जिसकी वजह से वह तमाम बुरे कामों से बचा रहता है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से राइट करना है, इसको लर्न भी करना है। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको सेकेंड जो हमारा लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीक का, उसमें कवर कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।